हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वेता रसोई घर। तो आज लेके आए फिर से एक नई रेसिपी, और ये रेसिपी है बिहारी रेसिपी, जिसे देसी बोल सकते हैं, बिहारी बोल सकते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ साग की रेसिपी बना रही हूँ, जो मिक्स साग है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सरसों है, पालक है एंड कुसुम है, जो कि बिहार में ईजिली ये साग मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबको अच्छे से डंडल जो होता है मोटा वो निकाल लिया एंड पूरी तरीके से मैंने क्लीन पहले कर लिया है। उसके बाद साग को मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से मैं कट कर रही हूँ, आप लोग भी चाकू तो चाकू की मदद से या फिर इस तरह से कट कर ले। तो यहाँ पे देख सकते हैं साग जो है वो मैंने बारीक से काटा है एंड बहुत ही पतले तरीके से। तो यहाँ पे साग की क्वांटिटी जो कि अभी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद बनने के बाद बहुत ही कम हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने साग को अच्छे से कर लिया है, बहुत पूरी तरीके से क्लीन कर लेना है, क्योंकि ये पत्ते भी मिट्टी लगे हुए थे, इसलिए इसे अच्छे से क्लीन करना है। और इसमें जो ऐड करूँगी वो है लहसुन, अदरक एंड हरी मिर्च है। तो आप चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे पे चला दिया है प्रेशर कुकर, उसमें मैं साग ऐड करूँगी। एंड ये साग जो मैं बना रही हूँ एकदम बिहार तरीके से, प्रॉपर जो बिहार में बना जाता है वो मैं बता रही हूँ। तो बिहार में ना साग इसी तरह से बनाया जाता है, और इसके साथ मक्का का रोटी जो होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये है देसी बिहारी साग, जिसे आप देहाती साग भी बोल सकते हैं। गाँव देहात में इसी तरह से साग बनाई जाती है। तो साग को ना भून के भी बनाया जाता है, मगर ये उबाल के मैं बना रही हूँ प्रॉपरली बिहारी साग। बिहार में प्रॉपरली ऐसी ही साग बनाई जाती है एंड इसके साथ रोटी बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने साग फुल रख दिया है, उसके साथ मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, और साग में ना हरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा ही तीता जो रहता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद इसमें मैंने लहसुन अदरक ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने साग की क्वान्टिटी में सारी चीज़ ऐड किया और कट के ऐड कर दिया एंड इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक दे रही हूँ। अभी साग की क्वान्टिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, उसके बाद ये बनने के बाद गल जाती है, इसलिए वजह से नमक आप अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग ही दे। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, बस थोड़ा सा पानी ऐड करना है एंड ढक्कन को आप कवर कर देना है और 3 सीटी बजने तक ईजिली पकाना है। एंड ये ना बहुत जल्दी हो जाती है, उबाल के जो बनाई जाती है वो बहुत जल्दी हो जाती है एंड भून के भी बनाई जाती है हमारे यहाँ पर, दोनों तरीके से बनाई जाती है। तो मैं आज गांव में जिस तरह से बनता है वो मैं दिखा रही हूँ। तो 3 सीटी बजने तक मैंने साग को अच्छे से पका लिया, उसके बाद कुकर का गैस जो है वो निकाल के, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं साग की क्वान्टिटी कितनी ज़्यादा कम हो गई है। इस वजह से मैंने कहा था कि नमक आप साग के अनुसार ही दें। उसके बाद ये जो दाल घाटने वाला होता है ना, इससे मैं मिक्स कर लूँगी, इससे ना बारीक से एकदम साग जो है एकदम मिल जाएगा एंड मैंने कट भी बहुत बारीक से किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं साग मिला रही हूँ। तो फिर मैंने चूल्हे पे उतार लिया था, उसके बाद मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया, उसके बाद फिर से चूल्हे पे चढ़ा दिया मैंने, क्योंकि इसमें पानी रहता है तो ये अच्छे से ड्राई हो गया है साग, देख सकते हैं। तो क्या है, साग एकदम रेडी है। इसके साथ ना गरम गरम मक्के की रोटी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है एंड ठंड के मौसम में तो साग सभी को पसंद आता है। तो लीजिए, रेडी है हेल्दी एंड टेस्टी साग, बिहारी साग है, देहाती साग बोल सकते हैं, जो भी साग बोल सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।